आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुल 6 जिलों के कलेक्टर से बात की, जिसमें इंदौर भी था मध्य प्रदेश से, और उन्होंने संबोधन भी किया सभी 50 कलेक्टर पूरे देश से थे, 6 उसमें स्पीकिंग मोड में थे, बाकी लिस्टिंग मोड में थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे उसमें, और सभी लोगों ने अपने यहाँ किस प्रकार से मैनेजमेंट में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं, किस चीज़ का लाभ हुआ है वो अपने शेयर किया सभी जिलों ने, जो 6 जिलों जिन्होंने जिनको बोलने का मौका दिया गया था। इंदौर में भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां बनाई गई हैं, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे गांव या वार्ड स्तर पे हो, इससे क्या लाभ मिल रहा है, निर्णय डिसीजन मेकिंग में किस प्रकार से जनता की भागीदारी हो रही है और किस प्रकार से गाँव को मैनेज किया जा रहा है, ये सब चीज़ों को बतलाया गया है। यहाँ का जो IMA के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो इंदौर इकाई के सहयोग से पिछले 1 साल से कोविड टास्क फोर्स डॉक्टर्स की सपोर्ट कर रही है जिला प्रशासन को और डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट समिति को, उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया जो मैंने बताया था उसमें, और होम आइसोलेशन ऐप, योग से निरोग का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, मैं करोना वॉलंटियर से कैसे सहयोग मिल रहा है, क्राइसिस मैनेजमेंट समिति जो वार्ड की गाँव की हैं, कोविड केयर सेंटर का जो नेटवर्क बनाया गया है जन सहयोग से, और शहर और ग्रामीण को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटीज जारी है, किस प्रकार की एक्टिविटीज बंद है, और जनता की सहभागिता का मुख्य तौर पे था यहाँ पर, और बफे मानी पर प्रधानमंत्री जी ने पूरा गाइड किया सभी अधिकारियों को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है जो प्रमुख कोविड प्रबंधन में आवश्यक रहती हैं, किस प्रकार से जनता की सहभागिता लेनी है, जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट लेना है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, और ये इंट्रक्शन था इसके लिए आज सर।